आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डीटॉक्स वाटर की रेसिपी। हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, मीन्स हमारा इम्यूनिटी सिस्टम दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ज़रा सा मौसम बदला नहीं कि हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। ऐसे में अगर आप ये डिटॉक्स वाटर बनाकर पियेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं वेट लॉस करने की, तब भी ये डिटॉक्स वाटर परफेक्ट है आपके वेट लॉस में हेल्प करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिटॉक्स वाटर पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, साथ ही मैं आपको बताऊँगी किस तरह से कब आपको ये डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सीसीसी क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सीसीसी बाय प्रिया में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सभी रेसिपीज देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ऑरेंज, साथ ही मैं लूंगी एक खीरा, उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं दो नींबू, कुछ पुदीना के पत्ते लिए हैं, उसी के साथ मैंने यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। सबसे पहले मैं नींबू को कुछ इस तरह से गोल यानी कि राउंड पीसेस में कट कर लूंगी। जब भी आप नींबू को कट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको इसके बीज अलग करने हैं, इसलिए नींबू को कुछ इस तरह से सर्किल में कट कर लीजिए और उसके बाद इसके बीज अलग कर दीजिए। ध्यान रखिए कभी भी डिटॉक्स वाटर में बीज के सहित नींबू या फिर ऑरेंज ना डालें, अदरवाइज आपके डिटॉक्स वाटर का जो पर्पस होता है वही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं सभी नींबू के जितने भी बीज हैं उनको अलग कर लूंगी। जो भी चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उसको मैं पहले अच्छे से साफ पानी से क्लीन कर चुकी हूँ, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। अब मैंने यहाँ पर जो ऑरेंज लिया है उसको भी मैं छिलके सहित ही यूज़ करूँगी, आपको यहाँ पर छिलका उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज के भी बीज निकाल दीजिए, ऑरेंज एंड नींबू जैसे हम सभी को पता है कि विटामिन सी से भरपूर होता है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट होता है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक अदरक का टुकड़ा, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए अदरक अपने खाने में डेली लाइफ में भी ज़रूर शामिल कीजिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मेरे को काटनी है पहले मैं उनको कट कर लूँगी। खीरा भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, खीरे को भी मैं छीलूंगी नहीं, छिलके सहित ही आपको यूज़ करना है। खीरे के छिलके में सिलिका बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही में खीरे में 95% तक वाटर होता है जो हमारी बॉडी में जितना भी डिटॉक्स यानी कि विषैले पदार्थ हैं उनको निकालने के लिए बेस्ट होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक जग, जग में सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी भर दिया है। 1 लीटर पानी भरने के बाद जो भी फल हमने काट कर रखे हुए हैं आपको उन्हें 1 by 1 करके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो भी हमने इसमें फ्रूट्स ऐड किए हैं वो अपना गुण इस पानी में छोड़ सके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले खीरे को ऐड कर रही हूँ, देन मैंने नींबू ऐड किया है, इनको आपस में मिक्स करते जाइए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पुदीना की पत्तियाँ जिनको मैं क्लीन कर चुकी हूँ। पुदीने में शीतलन प्रभाव होता है जो हमारी पाचन क्रिया में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, ये हमारी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो बेसिकली बस आप इतना जान जाइए जो हम डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं ये हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इस समय जैसे वायरस का खतरा चल रहा है तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए ये डिटॉक्स वाटर आप ज़रूर बनाकर अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। डिटॉक्स वाटर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो सब कुछ निकल जाएं। डिटॉक्स वाटर का काम ही केवल इतना होता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके।
साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी करता है, मींस अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है तो उसकी पूर्ति भी इस डिटॉक्स वाटर से की जा सकती है। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे फल इसमें कट करके ऐड कर दिए हैं। जो अदरक का पीस हमने छील कर रखा था उसको मैंने क्रशर की हेल्प से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद मैंने इस वाटर में ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको पीसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्रश करके ऐड किया है ताकि पानी में इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इस बर्तन को ढककर ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। आपको तुरंत ही इस वाटर को पीना स्टार्ट नहीं करना है, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी और नेक्स्ट मॉर्निंग से आपको इसे पीना स्टार्ट कर देना है। जैसे आप पानी पीते हैं उस पानी की जगह आपको इस वाटर को पीना है, तब आप देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मींस खाने को पचाने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस काफ़ी जल्दी हो जाएगा। इस वाटर को लगातार 1 महीने तक पीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके वेट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, साथ ही साथ आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अगर आप अपने डेली रूटीन में डिटॉक्स वाटर को शामिल करते हैं तब आप देखेंगे आपकी स्किन पर भी एक अलग ही ग्लो आ जाएगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी में फर्क आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। तो डिटॉक्स वाटर आज ही अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। जब भी आप डिटॉक्स वाटर को पिए तब इसमें कोई भी फ्रूट्स ऐड ना करें, मीन्स इन फ्रूट्स को हटाकर ही पानी पीजिए। आप इस डिटॉक्स वाटर को केवल एक ही दिन यानी कि 24 घंटे तक ही यूज़ कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आपको अगेन ये डिटॉक्स वाटर बनाना होता है। आप अगेन एंड अगेन सेम फ्रूट्स में डिटॉक्स वाटर बनाकर नहीं पी सकते हैं, अदरवाइज उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और ये आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए जब आपका डिटॉक्स वाटर खत्म हो जाए तो आप अगेन बनाकर इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग से इनटेक करना स्टार्ट कीजिए। अगर सपोज आपने आज ये डिटॉक्स वाटर बनाया है, रात में बनाकर छोड़ दिया है और कल मॉर्निंग से आप इसको पीना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 1 लीटर पानी पूरे दिन नहीं चलेगा। तो जब 1 लीटर पानी खत्म हो जाए तब आप इसमें अगेन पानी ऐड करके पी सकते हैं, लेकिन आप इस सेम वाटर को नेक्स्ट डे नहीं पी सकते हैं, अदरवाइज ये आपको इसका बुरा इफेक्ट भी दे सकता है। तो आई होप कि डिटॉक्स वाटर से रिलेटेड आपकी सभी क्वेरीज यहाँ पर फुलफिल हुई होंगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइए ज़रूर आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो कुछ और इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। अनटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नमस्ते इंडिया। आज है 22 मार्च और आज है जनता कर्फ्यू, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस जनता कर्फ्यू का पालन कीजिए और शाम को 5 बजे सभी सुरक्षा कर्मियों का ताली बजाकर या फिर घंटी बजाकर ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। धन्यवाद।